गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वार्म वेलकम टू योर हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। उपहार इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ का कुछ हिस्सा बाकी है, अर्थात दो परिच्छेद अध्ययन के लिए बाकी है। उपहार इसी पाठ का अध्ययन हम कंटिन्यू करेंगे। इस पाठ के नए परिच्छेद की ओर बढ़ने से पहले हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में जितना भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी ने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाला होगा। ओपन पेज नंबर 7, पृष्ठ क्रमांक 7, पाठ क्रमांक 3, उपहार। उपहार इस पाठ में कहानी है और माना कि इन कहानियों के चरित्र काल्पनिक होते हैं, परंतु वे हमें मानवीयता, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान, कड़ी मेहनत जैसे नैतिक मूल्य सिखाते हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। बच्चों, ये कहानी किसकी है? जी हाँ, ऋत्विक नाम के लड़के की। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, गरीब अर्थात पुअर। ऋत्विक जिस गांव में रहता था उस गांव के पास ही पुस्तक मेला लगा था। मेला यानी प्रदर्शनी, जहां कई सारे किताबें इकट्ठा एक ही जगह पर होती है। वहां हम किताबें, बुक्स पढ़ सकते हैं या खरीद सकते हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए, जो वाचन प्रेमी हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है। तो उसी प्रकार ऋत्विक को भी पुस्तक से बहुत प्रेम था। तो वह अपने माँ से कहता है कि मैं भी मेला देखने जाऊँगा। तो उसकी माँ क्या कहती है बच्चों? उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जीत छोड़ दो, चलो दूध पी लो। जीत इस शब्द का अर्थ है हट। अर्थात बच्चों, ऋत्विक की माँ उसे मेले में जाने से मना कर देती है। तो अपने माँ की यह बात सुनकर ऋत्विक बड़ा उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे जा बैठता है। बच्चों, हम में से भी कई ऐसे होंगे कि मम्मी पापा जब हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हम उदास हो जाते हैं और एक कोने में जा बैठते हैं। तो उसी प्रकार ऋत्विक भी सैड, उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। फिर अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। दृष्टि अर्थात नज़र। अब ऋत्विक उस पेड़ों के पीछे क्यों इतनी तेज रोशनी थी यह देखने के लिए वहाँ से उठकर चला गया। देखता है तो क्या, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे अर्थात सोने के रंग के। अब ऋत्विक जो है उसे देखकर हैरान हो जाता है और उस परी से पूछता है, तुम कौन हो? हैरान इस शब्द का अर्थ है चकित, दंग। तब वह बोलती है कि मैं परी हूँ, फैरी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक पहले से ही उदास था, अब उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। और यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश इस शब्द का अर्थ है चुप हो गया। तो वह सुनहरे पंख वाली परी उसे कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि परी उसकी मदद कब करेगी? जी हाँ, परी उसकी एक छोटी परीक्षा लेना चाहती थी। परीक्षा अर्थात इम्तहान, कसौटी। वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तब भी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण अर्थात परीक्षा में सफल, जिसे हम पास कहते हैं। अब ऋत्विक भी परी से पूछता है कि कौन सी परीक्षा है।
तो छात्रों, परी उसे कहती है कि बता दिया तो परीक्षा कैसी। अब बढ़ते हैं आगे, टर्न द पेज, पेज नंबर 8, पृष्ठ क्रमांक 8। अब उस परी की परीक्षा वाली बात मानकर, ठीक है ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। अब पोटली को देखकर ऋत्विक को ये विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि ये जो लाल रंग की मखमली पोटली है उसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। कीमती अर्थात मूल्यवान, और मखमल यानी वेलवेट, जो कपड़ा शाइन करता है और सॉफ्ट भी होता है, उसे कहते हैं मखमल। तो यह जो मखमली लाल रंग की पोटली थी वह ऋत्विक को मिल जाती है। अब ऋत्विक सोचता है कि इस पोटली को खोले। उसने उसे खोलना चाहा बच्चों, लेकिन फिर सोचने लगा कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। हक अर्थात अधिकार। बच्चों, जो चीज़ हमारी खुद की नहीं है, किसी और की है, तो उसे विदाउट परमिशन छूना नहीं है। यह एक गुड मैनर्स है। अगर वह चीज़ आप चाहते हो, अर्थात आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप किसी से मांगे, उसे बिना पूछे नहीं लेना है। तो इसी प्रकार ऋत्विक ने जो सोचा उसके अंदर सच्चाई थी, और इस वजह से ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। और तभी उसके कानों पर किसी की आवाज़ पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अब सही में वह पोटली उस इंसान की है या नहीं, यह जानने के लिए वह पूछता है कि किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर अर्थात पथिक, यात्री। फिर आगे ऋत्विक उनसे कहता है कि और कोई पहचान बताओ। उस मखमली लाल रंग की पोटली पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर ने, उस व्यक्ति ने ऋत्विक से कहा। और जिस प्रकार राहगीर ने जवाब दिया था, ऋत्विक अपनी थैली में से वह पोटली बाहर निकालता है तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगता है, और वह पोटली राहगीर की ही है। यह जानकर ऋत्विक वह लाल रंग की मखमली पोटली राहगीर के हाथ में सौंप देता है। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था, वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। छात्रों, ऋत्विक ने लाल रंग की मखमली पोटली राहगीर के हाथों में सौंप दी, वह घर लौटा। अब दूसरे दिन उठकर सुबह ऋत्विक वहीं पर पहुंचा जहां उसे पेड़ के नीचे परी मिली थी। बच्चों, आपको याद होगा कि जब ऋत्विक के माँ ने उसे पुस्तक मेले जाने से मना कर दिया था, वह उदास होकर पेड़ के नीचे जा बैठा था, और वहां उसे अचानक परी, सुनहरे पंख वाली परी मिली थी। पर अभी वहां पर कोई भी नहीं था। ऋत्विक बैठ गया। तब उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी, और तब भी तेज प्रकाश निकला। तेज अर्थात एकदम ब्राइट, प्रखर, और वहां सामने परी खड़ी थी। तो बच्चों, अभी हम आगे पढ़ते हैं। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो। ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। देखो बच्चों, जब परी उसके सामने आती है, ऋत्विक के सामने खड़ी होती है, तब
उसके दोनों हाथ पीछे थे। परी ऋत्विक का हाल चल पूछती है, कैसे हो? ऋत्विक उन्हें जवाब देता है, ठीक हो। और परी उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम अर्थात बख्शीश, पुरस्कार। तब ऋत्विक आश्चर्य होकर पूछता है कि किस बात का इनाम। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि परी आखिर ऋत्विक को किस बात का इनाम दे रही थी, पुरस्कार दे रही थी। तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी, उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया, यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। चिल्ड्रंस, हमने अब तक जाना कि परी ऋत्विक से कहती है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब किस बात का इनाम यह ऋत्विक पूछता है, तो परी उसे कहती है कि तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए उत्तीर्ण आपको मैंने बताया था, परीक्षा में सफल। चिल्ड्रंस, हम भी जब उत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं, तो हमें भी इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार परी भी उसे इनाम देना चाहती थी। वह कहती है कि ऋत्विक तुम उत्तीर्ण हो गए, पर परी की यह बातें ऋत्विक के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कंफ्यूज था ऋत्विक, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जब उसने कोई परीक्षा ही नहीं दी है तो वो किस में उत्तीर्ण हुआ है और परी उसे किस बात का इनाम दे रही है। पर फिर भी परी के कहने पर ऋत्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही ऋत्विक आंखें बंद कर लेता है, परी उसके हाथों में मखमली थैली पकड़ा देती है। ऋत्विक इस थैली को देखकर फिर से एक बार हैरान हो जाता है, हैरान अर्थात दंग। वह सोचता है यह तो वही पोटली है जो उसने राहगीर को दी थी। तब परी कहती है कि कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। ईमानदारी अर्थात ऑनेस्टी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और वह जो राहगीर अर्थात पथिक यात्री था, वो कोई दूसरा और नहीं, मैं ही थी। और तुम उस ईमानदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, सफल हो गए हो, इसलिए यह मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। तो बच्चों, हमने जाना कि वह जो लाल रंग की मखमली पोटली रास्ते पर गिरी थी, वह राहगीर दूसरा कोई नहीं तो खुद सुनहरे पंख वाली परी थी। परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली थी। जैसा कि ऋत्विक से परी ने पहले ही कहा था कि वह उसकी परीक्षा लेगी, और जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, सफल होगा, तो ही ऋत्विक की मदद करेगी। और जिस प्रकार ऋत्विक ने वह मखमली कीमती पोटली अपने पास न रखते हुए राहगीर को फिर से लौटा दी, इस वजह से परी ने खुश होकर उसे इनाम दिया। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। बच्चों, हमने पहले ही जाना कि ईमानदारी चरित्र का नींव है। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और परी भी ऋत्विक को यही समझाती है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसके जीवन में कभी कोई वस्तु की कमी नहीं होती। अब परी उसे कहती है कि तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, अर्थात जिस वस्तु की तुम चाह रखते हो, इच्छा रखते हो मन में, वो वस्तु तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ऐसे परी उसको वादा करती है। अब आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। बच्चों, ऋत्विक को समझ नहीं आ रहा था कि वह
किस प्रकार परी का धन्यवाद करें, उसे थैंक्स गिविंग करें। ऋत्विक बेहद खुश था और खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसे बहुत आनंद हुआ था क्योंकि ऋत्विक जो चाहता था वह होने वाला था। नाफ नेक्स्ट पैराग्राफ। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। बच्चों, जो लाल रंग की मखमली पोटली थी जो परी ने उसे दी थी, वह ऋत्विक माँ को दे देता है। अब ऋत्विक की माँ ये सब बातें नहीं जानती, तो उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऋत्विक उन्हें क्या दे रहा है, आखिर उस पोटली में क्या है, उसे यह पोटली किसने दी है। पर फिर भी जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बढ़ गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। छात्रों, जो लाल रंग की मखमली पोटली परी ने ऋत्विक को दी थी वह ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी। माँ ने वह पोटली खोली। जो दिखने में बहुत ही छोटी थी पोटली, वह कई गुना बढ़ गई क्योंकि बच्चों उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। अब इन पुस्तकों का ढेर देखकर माँ भी चकित हो गई। चकित होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्य करना। इसलिए माँ ऋत्विक से पूछती है, तब ऋत्विक माँ को सारी बातें बता देता है। चिल्ड्रंस, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। अब इस पाठ के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैं परिच्छेद पढ़ रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। छात्रों, परी द्वारा दी गई लाल रंग की मखमल पोटली में से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। अब इन पुस्तकों को ऋत्विक ने अपने पास सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका के सहायता से मदद से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय अर्थात वाचनालय, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। तो सभी बच्चे वहां आकर अपनी मनपसंद मनचाही पुस्तकें पढ़ने लगे। तो इस वजह से पूरा गांव ऋत्विक और उसकी बहन कृतिका को पुस्तक मित्र कहके जानने लगे। उन दोनों को नाम दिया गया पुस्तक मित्र, क्योंकि बच्चों ऋत्विक ने वह पुस्तकें खुद पढ़ी और साथ ही साथ उसके मित्र को भी पढ़ने दिए। अब आगे ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, ऋत्विक ने जो पुस्तकालय खोला था उसे ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। पुस्तकालय यही उसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। ऋत्विक सारा समय पुस्तकों के बीच में ही बिताने लग गया। एक दिन क्या होता है बच्चों, ऋत्विक पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है।
आंख लगना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नींद आ जाना। तब देखता है क्या कि पुस्तकें उसे बातें करने लग गई है। ऋत्विक से एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तो इस प्रश्न का उत्तर ऋत्विक कुछ इस प्रकार से देता है कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। साथी अर्थात दोस्त, मित्र से हम फ्रेंड कहते हैं। अब यह जो पुस्तकें हैं ऋत्विक के फ्रेंड्स बन गए थे, इसलिए ऋत्विक कहता है कि वो उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं और भूलेगा भी नहीं। सच में बच्चों, पुस्तकें हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। वे हमें ज्ञान देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। ऋत्विक इन बातों को सपनों में देख ही रहा था तो तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। तो बच्चों, यह जो सुनहरे पंख वाली परी का आना, उसकी परीक्षा लेना, परी ने दी हुई लाल रंग की मखमली पोटली पाकर पुस्तकालय खोलना, यह सब कुछ एक ऋत्विक का सपना था। नींद टूटने से जागने पर ऋत्विक देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो छात्रों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने उपहार इस पाठ का अध्ययन यहीं पर समाप्त किया है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। हमें ईमानदार होना है। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। इट मीन्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों, इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक अर्थात टर्म बुक नंबर 1 में है उसे कंप्लीट करना है। यही आज का होमवर्क है। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।